कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूजीसी नेट और नीट यूजी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के दावे किए गए लेकिन वह पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, फिर इसे रोकना नहीं चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं तथा उनकी छाती 56 इंच से कम होकर 32 इंच की रह गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में यह दावा भी किया कि फिलहाल उनकी चिंता सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और अपनी सरकार बचाने की है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृत्व संगठन से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा जब तक इस स्थिति को बदला नहीं जाएगा तब तक पेपर लीक होना बंद नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल संसद के आगामी सत्र में पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने रूस यूक्रेन के युद्ध को रोक दिया था, इसराइल और गजा के बीच युद्ध को रोक दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं, वह मनोवैज्ञानिक रूप से ढह गए हैं और इस तरह सरकार चलाने के लिए संघर्ष करेंगे। मोदी का सरकार चलाने का विचार लोगों में डर पैदा करना, उन्हें डराना और बोलने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मोदी की मूल अवधारणा नष्ट हो गई है, अब हमारे पास एक मजबूत विपक्ष है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मुख्य एजेंडा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है तथा उन्हें नीट की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह से उनका लोकसभा अध्यक्ष बन जाए और उनकी सरकार इस स्थिति से आगे निकल जाए। उन्होंने कहा आपने देखा कि वाराणसी में किसी ने चप्पल मार दी, अब आप कल्पना कीजिए कि चुनाव से पहले यदि कोई मारना भी चाहता था तो डर था, तो वो डर था वो गायब हो गया है, खत्म हो गया है। बाद में इस बयान को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक महत्वपूर्ण बात कहनी रह गई थी, नरेंद्र मोदी और उनके काफिले पर चप्पल फेंका जाना बहुत ही निंदनीय है और उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक है।